ओ भाई साहब, जब आप यहाँ पर आ गए हो वीडियो देखने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कौन करेगा? सब्सक्राइब करो, नीचे बटन दबाओ, बटन को बटन दबाओ, नहीं तो देख रहे हो उस गधे के बच्चे को, ओ सॉरी गधे को, मैं उसके नाम साले के गीली चप्पल मार मार के ना उसके नाम भूत बना दूंगा मैं मिनट से पहले, सारी की सारी अक्कल ठिकाने में आ जाएगी। तो क्या हो गया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? है तो हमारा बच्चा ही वो। बच्चा नहीं हूँ मैं, जो हर छोटी छोटी बात पर गालियाँ देने लग जाते हैं और ब्रांड इंटीग्रेशन में भी प्रॉब्लम होती है। अरे तो क्या हो गया, पापा ही तो है तेरे वो। हाँ तो अपने पापा से, कोई ऐसे बात करते, ऐसे बात करते कोई अपने पापा से। हाँ तो किसी के पापा अपने बच्चे को ऐसे धूप में नंगा करके बेल्ट से नहीं मारते हैं। तो पूरे दिन वो फोन में नहीं लगा रहता। अब लॉकडाउन का टाइम है, अपना थोड़ा फैमिली के साथ बैठना चाहिए, कोई फैमिली टाइम नाम की चीज होती नहीं होती। अरे वो बोल रहा था कि मेरे को ना पापा जी से सॉरी बोलनी है, और कह रहा था कि ना मतलब फैमिली टाइम बढ़ाने के लिए ना हम लोगों को ना आपस में ट्रुथ और डेयर खेलना चाहिए। मतलब मैं नहीं कह रही थी ऐसा, ऐसा ना वो कह रहा था। वो तो यार बच्चों का गेम है, हम कमारी का उम्र बच्चे ही है ट्रूथ और डेयर खेलने की। तेरे पापा तो कह रहे थे कि उन्होंने ना बचपन में बहुत खेला है ट्रूथ और डेयर, और तू तो उनके सामने खेल भी नहीं पाएगा। अरे छोड़ो, रहने दो, अभी वैसे भी कह रहा था कि ना पापा इस उम्र में कोई खेल पाएंगे ट्रूथ और डेयर, हर किसी की बस की थोड़ी होती है खेलना, और वैसे भी कह रहा था कि वो सो कॉल्ड बूढ़े हो चुके हैं। क्या बोला उसने? अरे यही कि ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए ना जिगरा चाहिए होता है, जिगरा, और वो जिगरा हर किसी के पास नहीं होता। अब खेलते हैं ट्रूथ और डेयर। फिनाइल की बोतल के साथ कौन खेलता है ट्रूथ और डेयर? उस बोतल के साथ खेला जाता है वो जो पापा के पास रखी है। बेटा जी, जो पापा के पास वो वाली बोतल है ना, वो पूरी की पूरी भरी हुई है, है? अब मैं भरी हुई बोतल तो आपको खेलने के लिए दे नहीं सकता, उसके लिए मुझे वो बोतल को खाली करना पड़ेगा, खाली करने के लिए मुझे वो पीना पड़ेगा, और पीने के बाद मेरे को ये गेम खेलने की जरूरत ही नहीं है, सारा ट्रूथ डेयर तो मैं अपनी बेल्ट से ही करवा लूंगा। अब तू बता कि फिनाइल की बोतल से खेलना है या फिर बेल्ट से? खेलो यार। ट्रूथ। तो आप बताते हो कि आप बचपन में स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े थे, तो ये बात कितनी सच है? एक आध बार। कब? जब इन्होंने ना बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, तो इनका ना उस दिन रात को सर लगा स्ट्रीट लाइट में, तो पूरी रात वही स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़े रहे। कम से कम हम पूरा पूरा दिन फोन में तो नहीं घुसे रहते थे ना। वो तो आपके पास फोन नहीं था उस टाइम पे, नहीं तो आप भी फोन में लगे रहते, और आजकल तो ये मुझसे ज्यादा फोन में घुसे रहते हैं। मम्मी ध्यान रखो इनका। अरे मम्मी का ध्यान रखता हूँ इसलिए तो पूरे दिन फोन में लगा रहता हूँ। मैं जैसे सेविंग करता रहता हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा सेविंग करके मैंने डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चालू किया। डिजिटल गोल्ड वो क्या होता है? अपस्टॉक गोल्ड नाम से मेरे पास डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर आपको डिजिटल 24 कैरेट गोल्ड मिलेगा, वो भी 99.9% प्योर। पर गोल्ड तो बहुत महंगी चीज है ना, तो इतने तो पैसे भी होने चाहिए ना लगाने के लिए। अरे वही तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि तुम इसमें 1 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। अब तेरे पास 10 रुपए हो, 50 रुपए, 100 रुपए, जितने भी हो, तो उतने से इन्वेस्टमेंट चालू कर सकती है, है? अब जैसे तू बाहर नॉर्मली 5-8% मेकिंग चार्जेस देती नहीं देती है, इसके अंदर तेरे को मेकिंग चार्जेस देने की भी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ 3% GST दो और 100% सिक्योर। तो मैं इसको बेचूंगी और खरीदूंगी कहाँ पे? अरे जैसे अब गोल्ड का प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है मार्केट प्राइस से,
तो तुम मार्केट प्राइस पे अपने डिजिटल गोल्ड को कहीं पर भी बैठ के खरीद सकती है, कहीं पर भी बैठ के बेच सकती है, और 24/7, तो इसलिए टेंशन नहीं करता। और अब तो अपस्टॉक गोल्ड ना होम डिलीवरी भी स्टार्ट करने वाला है, तो फिर थोड़ा सा मेरा भी करवा दो ना प्लीज। और करवा क्या दो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, फटाफट वहां से डाउनलोड कर ले। अभी तो अकाउंट भी फ्री में खुल जाएगा, और ऊपर से तेरे को अगर मेरे लिंक से डाउनलोड करेगी तो 51 रुपए का 51 रुपीज का ई गोल्ड मिलेगा। हाँ मम्मी कर लो डाउनलोड, मैंने भी देखा इसमें 3 मिलियन से ज्यादा यूजर्स है, और ये काफी सेफ और काफी ट्रस्टेड है, और आपकी छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट भी ना सही जगह लगेगी। देखा मेरे साथ रहेगी, दिमाग है इसमें। चलो 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 अगला। हाँ चलो नेक्स्ट। अच्छा तो आपने मनीषा की मम्मी का नंबर अपने फोन में किस नाम से सेव करा हुआ है? मनीषा की मम्मी का नंबर मनीषा की मम्मी के नाम से सेव होगा। कैसा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके जैसा। अरे चलो चलो अगला 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 बकवास क्वेश्चन था, अगला अगला नेक्स्ट। अरोड़ा साहब एक मिनट, अपना फोन दिखाओ। मैं अरे दिखा भी दो ना अब। दिखा दे, फोन छुपाने वाली आइटम थोड़ी है, मनीषा की मम्मी का नंबर ना। अच्छा अभी दिखा दे। ओहो शिट, मेरा फोन स्विच ऑफ है, सॉरी गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ चार्ज कर लो ना। एक्चुअली गाइस फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, किडल गेम्स के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि आप एक बारी में एक ही काम करवा सकते हो, मतलब एक बारी में एक ही क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट प्लीज। ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ, सच, सच्चाई। जब पिछले शनिवार को तेरी मम्मी और मैं सत्संग पे गए थे, तो पीछे से घर पे कौन आया या आई थी? क्वेश्चन मार्क। एक दोस्त आई थी। आगे आगे नाम बताइए, कौन आया था, दोस्त का नाम बताइए क्या है, या दोस्तनी का नाम क्या है, जल्दी। एक बार में एक ही कुछ। चले एक बारी में जल्दी बता। मनीषा, मनीषा, मनीषा आई थी। मनीषा मनीषा की मम्मी वाली मनीषा पढ़ने के लिए। हे भगवान, ये ट्रुथ और डेयर पता नहीं क्या क्या खोले खोलेगा दोनों बाप बेटे की। मनीषा की मम्मी मनीषा, मैं पता नहीं ये गेम खेलने से पहले नहाने क्यों नहीं चली गई। मैं कह रही हूँ अब ना कोई और गेम खेलते, काफी बोरिंग हो गई है ये गेम। और ना हम ना छुपन छुपाई खेल सकते हैं, और चैन चैन भी खेल सकते हैं। चैन चैन से ना मतलब हाथ पकड़ के ऐसे भगेंगे तो ना फैमिली बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो जाएगी। चलो चलो चलो। ट्रुथ और डेयर। ट्रुथ तो नूब लेते, नूब। डेयर, डेयर, डेयर। हाँ, तो तू अपनी माँ यानी कि मेरी सास को अभी के अभी फोन कर, और मेरे बारे में कुछ प्यारी प्यारी बातें कर, मीठी मीठी बातें, अच्छी तारीफ कर मेरी तारीफ। चल कैसा था क्वेश्चन, था बच्चों वाला क्वेश्चन पूछे, अभी कर देती हूँ। मम्मी जी को फोन ही तो करना है, अभी मम्मी को फोन कर देती हूँ, और ऊपर से तारीफ करनी, इतना इजी क्वेश्चन था। स्पीकर ऑन करो।
खट्टी आवाज वाला जानवर। कौन कौन खट्टी आवाज वाला जानवर मम्मी जी? अरे तेरा पति, तूने खुद ही तो नाम रखा था, भूल गई? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं मम्मी जी, आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो, वो तो इतने अच्छे इंसान है, दिल के इतने बढ़िया आदमी है वो, मतलब मैं तो धन्य हूँ उनको प्राप्त हो गई, मैं तो बहुत पसंद करती हूँ उनसे, बहुत प्रेम करती हूँ उनसे, आप ऐसे मत बोलो उनके बारे में। कैसे ना बोलूं, तूने तो बताया था पूरे दिन एक ही जगह सुअर की तरह पड़ा रहता है, और अगर अब तेरे को थोड़ा सा भी परेशान करे ना तो बता दियो, तेरे भाइयों को भेज कर ना दोबारा पिटवा दूंगी एक बार। हाँ, और इसे वो सारी जिंदगी दहेज के सामान पर रिहाइश करेगा क्या, या फिर गोल्ड पे भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू करेगा? और वो गीदड़ से मुंह वाली माँ कहाँ इसकी? वो गीदड़ से मुंह वाली माँ ना योगा करने गई है, आप भी जाया करो। और सुनो, एक प्रेस देने को ना दहेज नहीं कहते। अच्छा 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 मम्मी, मैं करती हूँ करती हूँ, अभी ना बहुत सारा काम करी हूँ, बाय बाय बाय। हाँ, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। ट्रुथ, मुझे लगा किसी में जिगरा होगा तो कोई डेर लेगा। तो डेर ले लेते, क्या बात होगी, डेर ले लेते, डेर। तो आप अभी अभिषेक को सॉरी बोलिए। इसको मैं सॉरी बोलूं? सॉरी बोलूं मैं इसको? मैंने अपने बाप को कभी सॉरी नहीं बोला, मैं इसको सॉरी बोलूं? हट हट। अरे आप अभी सॉरी बोल दो, जब ये डेयर लेगा ना तो मैं इसको भी सॉरी बुलवा दूंगी, टेंशन मत लो, बोलो बोलो। आई वॉन्ट टू लिसन सॉरी, है बोलता हूं। सॉरी क्या? अरे क्या कह रहे हो रोड़ा साहब, समझ नहीं आया। सॉरी सॉरी, आ गई आवाज। इट्स ओके। फैमिली बॉन्डिंग फैमिली बॉन्डिंग फैमिली बॉन्डिंग। चलो नेक्स्ट। अबे क्या चिपका रखा है नीचे, बार बार मेरे ऊपर आ जाती है। चैनल आपका है ना, इसलिए आपने सीन्स भी ज्यादा लिखे होंगे अपने, तभी आ रहा आपके ऊपर बार बार। हाँ चल चल चल। हाँ ट्रुथ, तो ऐसे मम्मी में क्या खूबियां हैं जो आपको अच्छी लगती हैं? कोई भी पांच बता। पांच मम्मी की खूबियां बतानी है? हाँ तो पहली ये अच्छी है, दूसरी ये दूसरी ये बाथरूम बड़ा अच्छा साफ करती है, और पांचवी तीसरा तीसरी मैं भूल जाता हूँ। अब खूबियां पांच से ज्यादा ना, इतनी सारी खूबियां, देखो ताजमहल का टुकड़ा रखते हैं। और तीसरी ये अपना शेप बड़े अच्छा करती है, ये दाढ़ी बड़ी अच्छी बनाती है अपनी, और चौथी आपका हो गया ये जब मेरी तरफ पीठ करके सोती है तो बड़ी सुंदर दिखती है सोते वक्त, और पांचवी और आखिरी ये मास्क पहनती है तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखती है। नेक्स्ट नेक्स्ट। बुलवा जल्दी, बुलवा सॉरी, बुलवा मेरे को, लेने तो दोस्त को। डेयर, बुलवा जल्दी, बुलवा सॉरी, बुलवा। तो अब आपको भी पापा जी को सॉरी बोलना है। एक्चुअली गाइस, गेम के कुछ रूल्स होते हैं, नो रिपीट क्वेश्चंस, यानी कि हम सेम सवाल दूसरी बार नहीं पूछ सकते। नेक्स्ट। देख ले देख ले, देख देख, ये मेरे हाथ से मर जाएगा, मैं बता रहा हूँ। अरे मेरे को क्यों बोल रहे हो आप, और आप ना चुप ही रहो, आप ना मनीषा की मुझे नहीं पता, मेरे को दिखा देना आज क्या नहीं।
देखा। मैंने कहा था ना मनीषा की मम्मी का नंबर मनीषा की मम्मी के नाम से ही सेव है। ऐसे मेरे को कुछ भी बोले जा रहा था। देखा मैं सच्चा एथलीट हूँ, सच्चा एथलीट, ट्रूथ और डेयर भी ना मैं मन से खेलता हूँ। हेलो मनीषा की मम्मी। हाँ जी ना ना जस्ट हैविंग ब्रंच यू टेल। ओके मैं बिना मतलब उन पे शक कर बैठी है। तेरे ट्रूथ और डेयर के चक्कर में ना अभी हमारी लड़ाई हो जाती घर में। पर मनीषा की मम्मी इनको क्यों फोन कर रही है? हेलो एवरीवन, होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव अ बिग थम्स अप एंड मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ कि आपका फेवरेट पार्ट या फिर फेवरेट क्वेश्चन कौन सा था। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ, और ये शेयर हो जानी चाहिए वीडियो। और अपस्टॉक्स गोल्ड को जरूर डाउनलोड करो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अच्छी जगह जाके इन्वेस्टमेंट करो, मजा आएगा। और लॉकडाउन है, थोड़ा सा सेफ रहो, वायरस से बचकर रहो, अपने घर में सुरक्षित रहो, बाकी आपको एंटरटेन करने का जुगाड़ हम लोगों का। हम लोग आपके घर में टाइम टू टाइम वीडियो जरूर तो लाते रहेंगे। बाकी बाय बाय। मुंह नहीं धोया मैंने बनाने से पहले।